नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, देश में इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के समय आप घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, तो जब आप घर में ही रहेंगे तो एक प्रॉब्लम कॉमन है जो सभी लोगों को हो रही होगी। पहली बात तो ये कि आपका वेट गेन हो रहा होगा, मतलब आपका मोटापा बढ़ रहा होगा, और दूसरी बात ये कि आपकी जो ये टमी है वो बाहर निकल रही होगी। इस प्रकार की समस्या जैसे कब्ज की समस्या है वो हो रही होगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई, डाइजेशन की समस्या हो गई, गैस की समस्या, इस प्रकार की समस्या हो रही होगी लगभग सभी लोगों को, और ख़ासकर जो 30 प्लस जो लोग हैं उनको तो ये प्रॉब्लम हो ही रही होगी। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने आज आपके लिए 3 आसन लेके आए हैं, यानी कि योगासन के 3 आसन लेके आए हैं। ये तीनों आसन इन सभी बीमारियों में बहुत ही ज़्यादा कारगर होंगे और आप बहुत आसानी से कर भी सकते हैं। ओनली 5 मिनट देकर आप अपनी इन सारी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से आसन हैं और उनके क्या क्या लाभ है, उनको किस प्रकार से किया जाता है। आपको आप पहले आसन के बारे में बता रहा हूँ, ये आसन है भुजंगासन। इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले आपको पेट के बल लेटना है, जैसे कि देखिए अभी इस समय मानिया लेटी हुई है पेट के बल। अब धीरे धीरे क्या करना है, अपने जो हाथ है उसको कंधे के पास लाना है, जो कि ऑलरेडी उन्होंने लेके आई कंधे के पास। अब आपको सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है। देखिए जैसे उठा रही हैं, देखिए अब ये देखिए धीरे धीरे सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ उठाना है। आपका ये शरीर ऐसा लगेगा जैसे एक सांप होता है ना, भुजंग जिसको अपन बोलते हैं, उस टाइप का लगेगा। अब वापस धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे ले जाइए, ये देखिए इस प्रकार से। फिर दूसरी बार ऐसे ही करना है फिर से, ये ध्यान रहे कि आपको ये नाभि तक ही उठाना, ज़्यादा नहीं उठाना है। फिर वापस जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, फिर से एक बार और सांस खींचते हुए ऊपर की तरफ लाना है, और थोड़ी देर अपने आप को रोक कर फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाना है। यह है भुजंगासन। पहले इसके लाभ बता देता हूँ। सबसे बड़ा लाभ तो है कि पेट इससे कम होता है। आपके अगर टमी है तो आपके इससे पेट कम हो जाएगा। दूसरी बात, तनाव अगर किसी प्रकार का है तो तनाव भी कम होता है, तनाव से छुटकारा मिलता है, थकान दूर होती है, साथ में कमर दर्द, पीठ दर्द, गले का दर्द, ये सभी चीज़ इससे आप ठीक कर सकते हो अगर आप मात्र 5 मिनट इस आसन को करते हैं तो। आपको सावधानी क्या रखना है मैं पहले वो बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आपकी अपनी क्षमता के अनुसार ही इसको करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका शरीर गवाह कर ही नहीं रहा फिर भी आप करे जा रहे हैं। दूसरी, अगर कमर में कोई दर्द है या पीठ में कोई दर्द है तो आप इसको नहीं करना है, या फिर कोई आपको डिसीज है, कोई बीमारी है बड़ी, तो भी आपको ये आसन नहीं करना है। वैसे तो कोई से भी ये सावधानी सभी आसन में आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं उत्तानपात आसन की। इसमें सब आप मान्य इसको बताएगी, सबसे पहले आपको सीधे तरह से लेटना है। अब धीरे धीरे पैरों को उठाना, दोनों पैरों को, घुटने नहीं मुड़ना चाहिए, बस ओनली 30 डिग्री तक उठाना है, थोड़ी सी देर रोकना है और वापस नीचे लाना है। नीचे लाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए सांस को छोड़ते हुए। अब वापस सांस लेते हुए फिर से उठाइए दोनों पैरों को एक साथ, इस टाइप से ओनली 30 डिग्री तक लाना है, थोड़ी सी देर रोकना है, फिर वापस नीचे जाना है। एक बार और सांस को लेते हुए ऊपर, और अब वापस नीचे लाना सांस छोड़ते हुए। बस ये 3 चक्र हैं, इस तरह से आपको इसको करना है। ये भी आप ओनली 5 मिनट करके आप बहुत अच्छे तरीके से इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। इसके फ़ायदे हैं, आप पाचन जो क्रिया है आपकी वो उसमें मदद मिलती है, कब्ज में, डायबिटीज़ में, थायराइड में, कॉन्स्टिपेशन में, पेट की किसी जो चर्बी है, यानी कुल मिला के जो आपका जो टमी बाहर आ गया उसको दूर करने में मदद मिलती है। गैस की समस्या अगर आपको है तो इसमें भी आपको मदद मिलती है। तो इस तरह से आप एक आसन से बहुत सारी बीमारी को फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे आसन की। इस आसन में आपको क्या करना है कि पहले इस प्रकार से स्वासन में लेट जाना है, जैसे कि मान्यासन में लेटी हुई है। अब एक पैर को आप मोड़िए, एक पैर को मोड़िए, अपने हाथ से पकड़िए और पैर को अपनी तरफ खींचिए, पैर को अपनी तरफ खींचिए, हाँ, और नाक से लगाइए ये, ओके, वापस ले जाइए। अब दूसरे पैर को इसी तरह से लेके आइए, दूसरे पैर को लेके आइए, हाथ से पकड़िए उसको और पैर को अपनी तरफ खींचिए, हाँ, इस टाइप से, और वापस ले जाइए। अब आपको यही काम दोनों पैरों को एक साथ मिलकर करना है। दोनों पैरों को एक साथ लेके आइए, दोनों पैरों को सांस लेते हुए लेके आइए, पास में लेके आइए, दोनों हाथ से पकड़िए उसको, दोनों हाथ से पकड़िए, अब दोनों पैर को अपने पास लेके आइए, अब मुंह लगाइए, अपनी नाक लगाइए उस पर, हाँ, ये तरीका होता है। इस तरीके से आप इस आसन को कर सकते हैं। इसके मैं आपको फायदे बता सकता हूँ कि इसमें पेट में जो भारीपन होता है, कब्ज होती है, रीढ़ की हड्डी भी इससे दुरुस्त होती है, ब्लड प्रेशर, ब्लड का सर्कुलेशन इससे ठीक होता है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार की सभी बीमारियों से आपको इसमें निजात मिलती है।
तो मैं आशा करता हूँ कि इस जो लॉकडाउन है इसमें आप इन तीनों आसनों को अच्छे से करिए और आपकी जो पेट की किसी प्रकार की समस्या है या मोटापा बढ़ रहा है या गैस की, कब्ज की या किसी प्रकार की भी समस्या जो मैंने इधर बताई है बहुत सारी, तो इनमें से आप करके आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हो। तो कैसा लगा ये सब आसन करके, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जो लॉकडाउन है उससे वो भी अच्छा हो सकता, इससे आपका टाइम पास अच्छा हो जाएगा और आपकी सभी प्रकार की जो बीमारियां है वो भी इससे ठीक हो सकती है। चलिए धन्यवाद मान्या, इतना सब कुछ हमें बताने के लिए धन्यवाद।